ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 26 जनवरी को तिरंगा रैली के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ होगा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव साहब सिंह गुर्जर, कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार सहित अन्य नेताओं ने पत्रकार वार्ता करके कहा है कि 26 जनवरी को मोहनपुर से बाइक तिरंगा रैली का शुभारंभ होगा। बाइक रैली का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के मुख्य अतिथि में होगा। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। और एक ओर जहां पर कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश महासचिव साहब सिंह गुर्जर ने भाजपा की यात्रा पर तंज कसा है। आइए सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता साहब सिंह ने क्या कुछ कहा। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस है, ये बहुत बड़ा पर्व है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर मुझे बाइक रैली तिरंगा यात्रा निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ये यात्रा मोहनपुर से बैठ तक लेके जाऊंगा और मैं ही नहीं, इसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथी सहयोग भी करेंगे, सब साथ भी जाएंगे। चाहे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात हो, चाहे शहर की बात हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि तिरंगा आन है हमारी, तिरंगा शान है हमारी। तो